नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला में योग परिवार ने चैत्र प्रतिपदा नव वर्ष के अवसर पर लोगों ने उल्लास के साथ मनाया नव वर्ष। इस दौरान बुद्धिजीवी, युवा और महिलाओं ने दर्जनों की संख्या में एकजुट होकर प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी जशपुर रोड काली मंदिर से होते हुए टावर चौक तक भ्रमण कर आमजन लोगों में, खास तौर पर युवा वर्ग के लोगों को संदेश दिया। वही संस्था के अध्यक्ष अशोक जायसवाल के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली गई। श्री नारायणी श्याम मंदिर मुरली बगीचा डीएसपी रोड गुमला में जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नव वर्ष मंगलमय हो की जमकर नारे भी लगाए गए। इधर संजय कुमार साहू, संतोष कुमार झा, पदम साहू, शंकर लाल जाजोदिया, ओम प्रसाद साहू, सुरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, शिव सोनी, सरिता देवी, बेबी कुमारी सीता देवी सहित सैकड़ों दर्जनों लोग प्रभात फेरी में उपस्थित थे। मैं प्रभात फेरी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को यह बताना चाहता हूँ कि यह नववर्ष पूरे भारतीय संस्कृति का है। भारत में 6 ऋतुएं होती है, इसलिए अन्य देशों के जैसा यहाँ का नववर्ष नहीं है। हमारे भारत का यह नववर्ष प्रकृति प्रदत्त नववर्ष है। प्रकृति अपना अलंकरण उतार कर नया अलंकरण पहनती है। प्रकृति का में सारा आबो हवा बदल जाता है, इसलिए नया जो हम लोग का जनरेशन है, आने वाला जनरेशन को यह बताना चाहते हैं कि भारतीय नववर्ष आज के दिन से शुरू है, जिससे कि नई जागृति भारतीय लोगों में अपना संस्कार, भारतीय संस्कार जीवित रहे। और हम कहना चाहते हैं पूरे समाज के लोगों से, विश्व शांति में ही अपनी शांति है। कोई भी आदमी पड़ोसी को रोते हुए देख के खुद हंस नहीं सकता है, इसलिए अपना व्यवहार नए साल में यह संकल्प लें कि मेरा व्यवहार ऐसा हो कि हमसे कोई दुखी ना हो।